हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैट करियर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मिरर कमांड के बारे में बताने जा रहा हूँ। मिरर कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। इस कमांड का यूज़ आप ड्राइंग बनाने में करते हैं। मिरर कमांड का शॉर्ट की MI होता है। ये मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है। मिरर कमांड को यूज़ करने के दो तरीके हैं, एक है ऑब्जेक्ट मिरर, दूसरा है टेक्स्ट मिरर। जब आप ऑब्जेक्ट का मिरर करते हैं तो उसका कंडीशन अलग है, जब आप टेक्स्ट का मिरर करते हैं तो उसका कंडीशन अलग है। मैं दोनों कंडीशन को इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को पूरा देखें। अगर किसी स्टूडेंट को मिरर कमांड में प्रॉब्लम है, कोई समझ में नहीं आता है अच्छे से, तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका मिरर कमांड का जो भी प्रॉब्लम है वो आपको आसानी से मिरर कमांड समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मिरर होता क्या है। फ्रेंड्स, मिरर किसी ऑब्जेक्ट का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बना हुआ इमेज होता है, उसे ही मिरर इमेज कहते हैं। तो किसी अगर आप अपना मिरर इमेज देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिरर के सामने जाना होगा। तो उसी तरह से AutoCAD में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मिरर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मिरर लाइन का होना ज़रूरी है। विदाउट मिरर लाइन के आप किसी ऑब्जेक्ट का मिरर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका मिरर करना है। मैं ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। अब देखिए, एक मैं मिरर लाइन यहाँ पे ले लिया हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट का जो सर्किल है इसके अंदर दो लाइन मैंने बनाया है, एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है। इसका अगर मिरर करना हो इस साइड, तो ये लाइन मैंने बना दिया है, इसको मैं मिरर लाइन मान लूँगा। तो इसका जो मिरर होगा वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिरर कमांड के लिए MI लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे, या फिर आप मॉडिफाई मेन्यू से आकर के यहाँ से भी मिरर कमांड यूज़ कर सकते हैं। मैसेज कहते रहे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और फिर इंटर की प्रेस कीजिए। मैसेज को ध्यान से देखिए, मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। मिरर लाइन का फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कीजिए और फिर दूसरा लाइन, दूसरा एंड पॉइंट है उसको सेलेक्ट कीजिए। अब क्या मैसेज दे रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट का मिरर आपने किया है उसको इरेज करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो नो कीजिए। फिलहाल मुझे नहीं करना है तो नो लिख के एन लिख के इंटर की प्रेस करेंगे तो उसका मिरर इस साइड बन जाएगा। एक बार और मैं इसको बता देता हूँ। मिरर कमांड के लिए MI लिखिए, इंटर की प्रेस कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और इंटर की प्रेस करके अगर मैं इसको मिरर लाइन मानूं तो फर्स्ट इन पॉइंट और सेकंड इन पॉइंट। यहाँ पे क्या कह रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो। अगर यहाँ पे मैं यस कर दूं और इंटर की प्रेस करूं तो देखिए क्या हो गया, मिरर इमेज तो बन गया मगर सोर्स इमेज जो था वो डिलीट हो गया। तो यही है मिरर कमांड में। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मिरर करते हैं तो उसमें ये ध्यान देना है, अगर आप सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज कर देंगे तो जिसका आपने मिरर किया है वो डिलीट हो जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे नो कर देंगे तो वो मिरर ऑब्जेक्ट भी रहेगा और सोर्स ऑब्जेक्ट भी आपका रहेगा। तो ये कंडीशन था। दूसरा कंडीशन है टेक्स्ट मिरर, चलिए उसको भी देखते हैं। सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ टेक्स्ट कमांड यूज़ करके। अभी मैंने टेक्स्ट कमांड का वीडियो नहीं बनाया है, मैं टेक्स्ट कमांड का वीडियो भी बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, उसमें मैं अच्छे से बताऊँगा कि टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, अपना ही नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये नाम मैंने लिख लिया है, इसका मिरर इमेज करना है दूसरी साइड, तो इसके लिए कमांड टाइप करना होगा MI, इंटर की प्रेस करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए। मैसेज क्या दे रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मिरर लाइन का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सेलेक्ट कीजिए। सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नो कर देता हूँ। देखिए क्या हो गया, इस ऑब्जेक्ट को इस टेक्स्ट का इस साइड मिरर इमेज कर दिया है, लेकिन वो जैसे था वैसे ही है, ये मिरर इमेज नहीं हुआ है, ये उसको जस्ट का कॉपी कर दिया है। अब आप किसी टेक्स्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो देखते हैं वो उल्टा दिखाई देता है, जैसे एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस पे जो लिखा होता है टेक्स्ट वो उल्टा लिखा होता है, वो इसलिए लिखा होता है ताकि आगे जो गाड़ी जा रही है उसके मिरर इमेज में वो उसको सीधा दिखाई दे। जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एम्बुलेंस लिख करके, ये देखिए एम्बुलेंस मैंने लिख दिया। अब इसका मैं अगर मिरर करूं
तो ये जैसे का तैसे हो गया, यानी जस्ट उसको कॉपी कर दिया, मिरर नहीं किया। तो मिरर कैसे होगा, यहाँ पे एक मोड ऑन करना पड़ता है जिसका नाम है मिर टेक्स्ट मोड। ये आपको याद रखना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें। मिर टेक्स्ट मोड, यानी मिर टेक्स्ट मोड आप कमांड में टाइप करेंगे और इसका वैल्यू पुट करेंगे। ये मिर टेक्स्ट वैल्यू, मिर टेक्स्ट एक मोड है जिस मोड को ऑन या ऑफ करने पे आप किसी भी टेक्स्ट का मिरर कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने फ़िलहाल इसलिए लिख दिया ताकि आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए मिर टेक्स्ट मोड को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। आइए अब देखिए, कमांड में टाइप कीजिए MIRRTEXT मिर टेक्स्ट। यहाँ पे क्या दे रहा है, इंटर न्यू वैल्यू फॉर मिर टेक्स्ट। यहाँ पे ये ध्यान देना होगा, मैंने अभी आपको बताया कि मिर टेक्स्ट एक मोड है जिसको ऑन या ऑफ करते हैं। ऑन करेंगे तब आपका जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका मिरर होगा। अगर आप मिर टेक्स्ट मोड को ऑफ रखेंगे तो फिर जो भी आप टेक्स्ट किए हुए हैं उसका मिरर इमेज नहीं बनेगा। तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे इसका वैल्यू 0 रखेंगे तो वो ऑफ होगा, अगर यहाँ पे इसका वैल्यू 1 कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगा। ये दो ही कंडीशन है, 0 होगा, 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। यहाँ पे आप 1 2 3 2 3 4 5 6 7 कुछ भी डाल देंगे तो वो नहीं लेगा। यहाँ पे आप याद रखना होगा 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो फिलहाल मैंने 1 डाल दिया, इसका मतलब अभी क्या हुआ, मिर टेक्स्ट मोड ऑन हो चुका है। अब आप मिरर कमांड यूज़ कीजिए और इस एम्बुलेंस वर्ड को सिलेक्ट कीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए। फर्स्ट लाइन इसका सिलेक्ट कीजिए, सेकंड लाइन नीचे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन दे रहा है, इसको नो करके इंटर की प्रेस कीजिए। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कैसे मिरर इमेज होता है, कि यानी किसी टेक्स्ट का मिरर इमेज कैसे होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये ध्यान देना होगा कि किसी भी मिरर का इमेज तभी बनेगा जब आप मिर टेक्स्ट मोड को ऑन रखेंगे, और मिर टेक्स्ट मोड को ऑन रखने के लिए उसका वैल्यू 1 रखना होगा। अगर वैल्यू 1 नहीं रखेंगे तो वो ऑन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन भी कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं तो वो आपको पहले दिख जाए। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना कंप्लीमेंट डालना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।